नमस्कार। आज हम लोगों के पास एक स्पेशल केस, सकीना मैडम हम लोगों के साथ है आज। तो मैडम का क्या हुआ था, मैडम का प्रॉब्लम क्या था, मैडम से ही सुनूंगा। बट मैं एक समारी कर देता हूँ, क्योंकि मैडम फर्स्ट जब मेरा पास आई तब उनका जो प्रॉब्लम था वो था केली स्पाइन। केली स्पाइन मतलब स्पाइन में टीवी हो जाना। तो उनके बाद उनका ट्रीटमेंट चला, एंड ट्रीटमेंट के बाद एंड में जो आया तब उनको डॉक्टर ने बताया अभी जो हो गया हो गया, जितना उनके अंदर घुस गया जितना उनके अंदर अभी रह गया वो और जा नहीं सकते, उसको मैनेज करने के लिए आपको योगा करना है, ये सब करके ठीक रहना है। तो हम लोगों के पास जब आया हम लोगों ने फर्स्ट उनको पेन को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत थेरेपी दिया, एंड उसके बाद से उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुआ और एक्सरसाइज योगा सब चल रहे हैं। कुछ महीना हो गया, तो बाकी उनका मुख से खुद ही सुनता हूँ। तो सकीना मैडम, मैडम आपका कैसे ये शुरू था और उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर क्यों हम लोगों के पास आया, और आज ट्रीटमेंट के बाद आपका कैसे एक्सपीरियंस है, कितना लाभ मिला, ये बताइए। सर, आज से 3 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे बोन टीवी हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई, रिकवरी हुआ। बहुत हद तक मैं मतलब विदाउट ब्रेथ चल नहीं पाती थी, डॉक्टर ने दवा दिया, कहा ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बहुत जगह ट्राई किया, सारे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत हद तक बेहतर विदाउट ऑपरेशन रहो। तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हुआ चलना, बहुत मुश्किल, विदाउट ब्रेथ मैं चल नहीं पा रही थी। तो फिर मुझे यूट्यूब से आपका चैनल मिला, तो मैं आपके पास आई, फिर आपने मुझसे बहुत सारी थेरेपी दी, एक्सरसाइज करवाई, योगा करवाई, तब मैं बहुत हद तक बेहतर हूँ। मैं विदाउट ब्रेस घर में चल पा रही हूँ, विदाउट ब्रेस में बाहर निकल पा रही हूँ, बहुत हद तक मैं बहुत ठीक हूँ। तो ब्रेस मतलब उनका एक यहाँ पे एक केज जैसा होता है, एक केज जैसा होता है जिसमें स्पाइन को सपोर्ट देके रखता है और स्पाइन को सीधा रखता है। तो ऐसा नहीं कि जब मेरा पास फास्ट आया था तो उस टाइम भी मैंने देखा पूरा केज के साथ वो ब्रेस लगा के आया, एंड घर का हर काम के साथ ही उनको ये करना पड़ता था, कोई जगह बाहर जाना है तो ये भी करना उनके लिए मतलब मैंडेटरी था। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट एंड एक्सरसाइज ये सब जब हो रहे हैं, अभी तो उनका मुख से ही सुना क्या अभी उनका ब्रेस नहीं लग रहे हैं, एंड अभी ऑलमोस्ट पेन फ्री, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट पेन फ्री। कोई भी दिन मुझे जितना लग रहा है, कोई भी दिन बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो उस टाइम में भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज होता है, हो सकता है, राइट। तो उनका कितना जिस दिन ज़्यादा कुछ हो जाता है उस दिन कितना प्रॉब्लम होता है, पहले जितना जितना था और अभी कितना हो रहा है उसमें? पहले ज़्यादा पेन होता था, फिर मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, बिल्कुल बेड रेस्ट पर। अभी है कि मैं अगर थोड़ा पेन भी हुआ तो मैं आधा घंटा ब्रेक लेती हूँ तो फिर मेरे जाके पेन ठीक हो जाता है, ऐसे ज़्यादा पेन नहीं है, तो बहुत हद तक सब ठीक है। और पीठ में जितना एक स्वेलिंग जैसा था पहले, वो स्वेलिंग नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है वो स्वेलिंग, और अदरवाइज ठीक है। तो केली स्पाइन होने से, मतलब स्पाइन में टीवी होने से स्पाइन का एक 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 हम्प जैसा हो जाता है, तो ये हम्प जैसा जो चीज़ बन जाता है वो स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है उसमें। तो जब शुरू में था तो उनका कार्व बहुत ज़्यादा था, आज मैंने जिसको जैसे बहुत दिन बाद उनको देखा एंड देखा ऑलमोस्ट फ्लैट, तो सिग्निफिकेंटली चेंजेस। और आपको भी तो मालूम हो रहा है पीठ का वो चेंज हुआ है। तो आप एज ए होल यहाँ का ट्रीटमेंट, यहाँ का सिस्टम सब कुछ लेके कितना सेटिस्फाइड है यहाँ से? सर, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ करके योगा करना मुझे घर से ज़्यादा यहाँ पसंद है। यहाँ आती तो देख करके मन लगता, घर में जो कि मैं नहीं कर पाती असकती से, तो यहाँ आना अच्छा लगता है। और यहाँ का बाकी स्टाफ एंड सब बहुत अच्छे, यहाँ के आप भी बहुत अच्छे, मैम लोग सब बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे यहाँ। तो अगर ये वीडियो हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे आपका कुछ प्रॉब्लम है? ओके, एंड होप कि आपका और ऐसे ही हम लोगों का जो छोटा छोटा रिव्यूज वीडियो होता है ये सब देख के लोगों को डिसीजन लेने में ईजियर होता है, तो इसीलिए ये वीडियो हम लोग बनाते हैं, और आपका भी ये रिव्यू और किसी को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। थैंक यू।